कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। बात करेंगे खाद्य तेल बाजार के बारे में। खाद्य तेल बाजार में जानेंगे घरेलू बाजार में आज की कीमतों के बारे में जानेंगे, सोया पामोलिन और उत्तर प्रदेश में टैंकर की आज की कीमतों के बारे में देखेंगे, किस तरह से कारोबार बाजारों में देखा जा रहा है, किस तरह से ट्रेंड बाजारों में चल रहा है। मगर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। तो सबसे पहले विदेशी बाजारों के बारे में बात करते हैं। तो विदेशी बाजारों में आज अच्छे संकेत समझ में आ रहे हैं। चीन में मजबूती और मलेशिया मुद्रा रिंगिट में कमजोरी से केएलसी को सहारा मिला है और साथ ही शुक्रवार को केएलसी अपने सपोर्ट के करीब बंद हुआ था और केएलसी अपने सपोर्ट को फिलहाल होल्ड कर रहा है। चीन और भारत की अधिक डिमांड ना होने की वजह से तेजी सीमित दायरे में देखी जा रही है और साथ ही विदेशी बाजारों के अच्छे संकेतों की वजह से घरेलू बाजार में आने वाले समय में खाद्य तेल के भाव में स्थिर से मजबूती रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। और आज की अगर कीमतों के बारे में बात करते हैं तो भारतीय बाजारों में घरेलू बाजारों में एक स्थिरता के साथ हम लोग कारोबार देखकर चल सकते हैं। कीमतें जान लेते हैं। मयूर वनस्पति में 15 लीटर मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी और मार्केट का ट्रेंड जानने के लिए जुड़े सुबह 9:30 बजे लाइव न्यूज मार्केट 24 पर अजय सिंह के साथ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी ज्वाइन करें। वनस्पति में 15 लीटर का जो रेट चल रहा है वो इस वक्त 1600 रुपए है। पामोलिन में 15 लीटर कीमतें यहाँ पर 1800 रुपए देख कर चल सकते हैं। मयूर पामोलिन में 1 लीटर की कीमतें बाजारों में 119 रुपए देखी जा रही हैं। मयूर सोया ऑयल का रेट 15 लीटर का 1860 रुपए है और सोया ऑयल की 1 लीटर की कीमतें बाजारों में 123 रुपए देखी जा रही हैं। फॉर्च्यून की अगर बात करते हैं, फॉर्च्यून में 15 लीटर का बाजारों में रेट इस वक्त 2000 रुपए चल रहा है और फॉर्च्यून में 1 लीटर की कीमतें बाजारों में आप 137 रुपए देख कर जा सकते हैं। बाजारों में ज्यादा उतार चढ़ाव आज घरेलू बाजार में कीमतों में नहीं देखा गया है और दाम इस वक्त स्थिर देखे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में अगर बात करी जाए तो बाजारों में हल्की फुल्की नरमी के साथ कारोबार देखा गया है, खास तौर से राइस ब्रांड और पामोलिन में। तो उत्तर प्रदेश में राइस ब्रांड के टैंकर का बाजारों में रेट 117 रुपए है। सोया ऑयल की कीमतें 124 रुपए चल रही है। सोया ड्यू का रेट बाजारों में 122 रुपए देखा जा रहा है। मस्टर्ड और एक्सप्रा के बारे में अगर बात करी जाए, उत्तर प्रदेश में मस्टर्ड के टैंकर का बाजारों में रेट 137 रुपए है। एक्सप्रा के टैंकर कीमतें 133 रुपए है और पामोलिन के टैंकर का बाजारों में जो रेट चल रहा है वो 122 रुपए देखा जा रहा है। तो बाजारों में खबरें ये भी आ रही हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच का जो विवाद था वो दोबारा से गहराने की खबरें सामने आ रही हैं। तो अगर विदेशी बाजारों में जैसे कि पहले इस विवाद का असर देखा गया था जिसकी वजह से भारतीय बाजारों पर भी इसका गहरा असर पड़ा था, तो अगर इस बार फिर से विवाद गहराता है तो आने वाले समय में आपको खाद्य तेल बाजारों का असर विदेशी बाजारों के साथ साथ भारतीय बाजारों पर देखने को मिल सकता है। लगातार उठापटक की वजह से डिमांड कमजोर है जिसके चलते ऊपरी स्तरों में फिर से रुकावट देखने को आपको मिल सकती है। यानी एक तरह से अगर ट्रेंड के बारे में बात करते हैं इसको देखते हुए फिलहाल के लिए निगेटिव टू स्टेबल ट्रेंड नजर आ रहा है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज की खबरें आपके लिए यूजफुल हो तो लाइक जरूर कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।